और मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल राव सिटीज। रावड़ी आवास के बाहर चौथे दिन भी आरजेडी के जो सपोर्टर हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनका हंगामा जारी है। ये जो कार्यकर्ता हैं वो जहानाबाद से आए हैं अपने जो समर्थक हैं उनके समर्थन में कि उन्हें ही टिकट जाए। किनके समर्थन में आप आए हैं? टिकट मिलना चाहिए, अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है उम्मीदवारों का, तो ऐसे में आप कैसे करेंगे? लोकल चाहिए, हो सकता है कि लोकल उम्मीदवार को ही उठाए या एक एक आदमी बोलेगा? जैसे कि लगातार तीन बार से राजद के प्रत्याशी जहानाबाद से हार रहे हैं, वर्करों में मरमरिंग है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोकल उम्मीदवार हो जो हमारा घर का हो, लोकसभा क्षेत्र का हो, किसी को दे दें। लेकिन जो हारने वाले लगातार उसको मत दीजिए। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, थाना में पुलिस में पैरवी कराने में बहुत कठिनाई होता है, हम लोग त्राही माम है। आपका कहना है कि जहानाबाद का लोकल उम्मीदवार होना, वो लोकसभा के पूरे लोकसभा में से कहीं से दे दें, किसी को दे दें, कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन हारने वाला को मत दे जो लगातार हार रहा है। हम आगाह करने आए हैं, सलाह देने आए हैं, हम लोग किसी के पक्ष में हम लोग नहीं है। बदौलत आ जाते हैं, मैं आगे क्या करेगा? अभी आप प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, कब तक यही प्रदर्शन करिएगा? जब तक तेजस्वी यादव जी से भेंट नहीं होगा, हम अपनी बात को वहाँ नहीं रखेंगे जब तक हम लोग जाने वाले नहीं। ठीक है, आप ये बताएं कि आप लोकल उम्मीदवारों की मांग कर रहे हैं जहानाबाद में, अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, एक तरह से आप प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग का बार बार बाहरी उम्मीदवार को देखना पड़ रहा है, इसलिए हमको भी लग रहा है की फिर बाहरी उम्मीदवार लाइन में आगे है, इसलिए हमको लग रहा है की फिर बाहरी उम्मीदवार ना आ जाए, इसलिए हमको लोकल उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। हम लोग का लोकल ही चाहिए, बाहरी उम्मीदवार के चलते हम लोग हार जाते हैं, इसका हम लोग गरीब को झेलना पड़ता है। लोकल में कौन उम्मीदवार चाहिए? लोकल में हमको जहानाबाद में कोई भी लोकल उम्मीदवार हो, बहुत खर्च करता है। फिर भी किसी के लिए तो फील्डिंग करने के लिए आए हो ना, सिर्फ लोकल के लिए आए? नहीं, किसी के लिए नहीं, लोकल चाहिए, लोकल कोई भी चाहिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें एक लोकल उम्मीदवार चाहिए जो कि जहानाबाद का ही रहने वाला, क्योंकि बीते तीन लोकसभा चुनाव से बाहरी उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ते रहे। आप बताएं कि आप यहाँ आए हैं जहानाबाद से, लोकल उम्मीदवारों की मांग को लेकर आप यहाँ रावड़ी आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, लोकल उम्मीदवार में कौन उम्मीदवार है आप? लोकल उम्मीदवार में जो हम लोग पूर्व में भी जिताए, हम लोग का लोकल उम्मीदवार में जहानाबाद लोकसभा में नाम नहीं लेंगे, लोकल उम्मीदवार हम लोग का चाहिए लालू यादव, तेजस्वी तेज प्रताप ने, जो लालू यादव ने लोकल उम्मीदवार दिए थे वो हमने जिता करके पार्लियामेंट तक भेजे थे, तो हम लोग का लोकल चाहिए, लोकल उम्मीदवार, लोकल उम्मीदवार को हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जहानाबाद लोकसभा का लोकल उम्मीदवार चाहिए। और ये जो दमंग है, ये दमंग तीन तीन बार चुनाव लड़ करके जहानाबाद लोकसभा को बर्बाद कर दिया है, और इनको टिकट मिलने पर बहुत भारी बहुमत से हारे। कोई पसंद होगा ना लोकल उम्मीदवार में? कोई आपको तो पता ही नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा? एक सेकंड, लोकल उम्मीदवार में जहानाबाद लोकसभा में कोई रिक्शा चालक मिल जाए, कोई ठेला चालक मिल जाए, हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव को जानते हैं, लेकिन लोकल उम्मीदवार चाहिए। बीते चार दिन से रावड़ी आवास पे यही हंगामा होता रहा, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताएं कि आप लोकल उम्मीदवारों की मांग को लेकर यहाँ पे आए? जी, वहाँ जहानाबाद में उम्मीदवार है, और उम्मीद है कि आपकी बातों को माना जाएगा? बिल्कुल मानना चाहिए, हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि लगातार 15 सालों से जहानाबाद सीट जो है हम लोग के हाथों से गुजर जा रहा है, दूसरे लोग जीत जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि लोकल उम्मीदवार रहे, नजदीकी उम्मीदवार रहे और कर्मठ उम्मीदवार रहे, ताकि हम लोग जो है जहानाबाद को एक आरजेडी का बेहतरीन सीट हम लोग जीत करके दें। महागठबंधन में अभी 400 सीट के पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, लगातार अब रावड़ी आवास के बाहर लगातार चौथे दिन ये प्रदर्शन जारी है। आप तख्तियों के जरिए देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जहानाबाद लोकसभा की आवाज़ नहीं चाहिए, ऐसा उम्मीदवार जो हार रहा है लगातार, अब की बार लोकल उम्मीदवार, ये नारा लेकर लोग जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, आरजेडी कार्यकर्ता हैं, वो रावड़ी आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं। ये चौथा दिन है लगातार रावड़ी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का दौर चला है, उम्मीदवारों के लिए फील्डिंग करने कार्यकर्ता लगातार रावड़ी आवास के बाहर पहुँच रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, रावड़ी आवास के बाहर पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए RiveCities.in। धन्यवाद।